नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको मैनपाट, जो छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है, वहां लेकर चलते हैं। मैनपाट आएंगे तो आपको पहाड़ों के बीच या रास्तों में इस तरह के झंडे आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये झंडे यहां के जो प्रवासी तिब्बती हैं उनके द्वारा हवा में बांधा जाता है और कहा जाता है इसमें इनके भगवान के मंत्र लिखे हुए हैं। ये मंत्र जब हवा से गुजरते हैं तो हवा शुद्ध हो जाती है। मैनपाट के रास्ते में आपको दोनों तरफ साल के वृक्ष और जंगली पौधों दिखेंगे, जो एक अच्छे आनंद की प्राप्ति करवाती है। जब आप ड्राइव करेंगे तो ये जंगलों के बीच से जब आप ड्राइव करेंगे तो आपको एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है। मैनपाट हमारा प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत अच्छी तरह से भरपूर सौंदर्य है। मैनपाट जब आप बरसात के समय या ठंडी के समय आएंगे तो आपको कुहासे पाला, जिस कहेंगे, जो पहाड़ों के ऊपर से जो धुआं निकलता है, जिसे देखने से एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मैनपाट हमारे छत्तीसगढ़ का शिमला है, जिसकी समुद्र तट से 3,200 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। मैनपाट आने के लिए आप अंबिकापुर और सीतापुर दोनों रास्तों से आ सकते हैं, और अंबिकापुर से इसकी दूरी 50 किलोमीटर है, और दोनों जगह से आपको यहाँ बस मिलेंगे। मैनपाट में आपको विभिन्न टूरिस्ट स्पॉट आपको मिल सकते हैं, जिसमें एक है, यहाँ आपको दो भगवान गौतम बुद्ध की दो मंदिर मिलेंगे। ये जो मंदिर है यहाँ के प्रवासी तिब्बतियों के द्वारा स्थापित की गई है, जहाँ लामाओं जो तिब्बतियों के जो लामा होते हैं उनकी यहाँ प्रशिक्षण भी दी जाती है। यहाँ गौतम बुद्ध की प्रतिमा, दलाई लामा की प्रतिमा और भी अलग जो भी इनके लामा हैं उनकी मूर्ति आपको यहाँ मिलेगी। साथ ही मैनपाट एक अच्छा व्यू पॉइंट है। मैनपाट में तिब्बती मंदिर के साथ साथ आपको मेहता पॉइंट, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, दलदली, जलपरी जैसे वाटरफॉल भी मिलेंगे। मैनपाट आने के लिए सबसे अच्छा समय जो होता है हमारा ठंडी का मौसम और बरसात के लास्ट मौसम में आप यहां आ सकते हैं। मेहता पॉइंट से जब आप देखेंगे तो आपको नीचे की तरफ रायगढ़ जिला दिखने लगता है। मैनपाट आने के लिए आप अंबिकापुर से 50 किलोमीटर की दूरी है और सीतापुर से इसकी दूरी 20 किलोमीटर है। दोनों जगह से यातायात बस की सुविधा उपलब्ध है।